नमस्कार, मैं राजेश सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के इटावा जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिलीप नगर में अचानक एक गांव में कुछ घरों में आग लग गई। देखते ही देखते आधा दर्जन के करीब घर जलकर राख हो गए। अचानक लगी आग में देखते ही देखते आधा दर्जन के करीब घर जलकर राख हो गए, जिससे घर में बने हुए पशु भी जलकर राख हो गए, जिससे किसानों को काफी बड़ा नुकसान हुआ। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं ग्रामीणों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया है। क्या हुआ भैया, कैसे आग लगी ये? ये अचानक बंगले से आग लगी। तो इससे कहां तक पहुंच गई? कवर कर दिया है, सब कुछ जल गया। कोई जानवर वानवर? जानवर ही खत्म हो गए, गुड़िया भी खत्म हो गई। गुड़िया कैसे खत्म हो गई? वो आग आग से हो गई ना, आग की लौ लगी। किन की पत्नी थी वो? उनकी थी, क्या नाम थे, क्या राम नाम का नाम? ये दिलीप की नगर मड़ैया गांव है एक, उसमें जो है आग लगी हुई है। अभी आग का जो है लगने का कोई कारण पता नहीं है। हमारी दो दमकल की गाड़ियां आ चुकी हैं और चार और आ रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के द्वारा आग पानी का छिड़काव करके कंट्रोल किया गया है आग को, लेकिन अभी और भी गाड़ियों की आवश्यकता है जो मंगाई गई है इटावा से। और कितने घर ऐसे हैं जो आग की चपेट में आ गए हैं और कितना नुकसान हो गया है? अभी जो है नुकसान का आंकलन तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन करीब जो है 20-25 घर जो। पेशा इटावा से राहुल तिवारी की खास रिपोर्ट। ये अचानक करीब बंगले से आ गए, आधा गांव कवर कर दिया है। जानवर ही खत्म हो गए, गुड़िया भी खत्म हो गई। वो आग से हो गई ना, आग की लौ लगी।